बड़वानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े ट्रस्टों की शिकायत पर की गई एफआईआर को लेकर मेघा पाटकर की प्रेस वार्ता। मेघा पाटकर ने पुलिस पर बगैर दस्तावेज की गई शिकायत को लेकर की गई एफआईआर पर उठाए सवाल। वहीं शिकायतकर्ता नहीं उपलब्ध करा पा रहा है दस्तावेज। वहीं जांच का हवाला देकर मीडिया से बनाई एसडीओपी ने दूरी। बड़वानी टेमला निवासी प्रीतम राज बरडोले के द्वारा शहर थाना बड़वानी में मेघा पाटकर के ट्रस्टों के द्वारा करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर की गई शिकायत के बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई ट्रस्ट से जुड़ी एडवोकेट भाग्यश्री कानोकर सहित मेघा पाटकर ने एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम हर तरह की जाँच के लिए तैयार हैं। पुलिस द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए हैं, करीब 714 पेज के दस्तावेज हमारे द्वारा सौंप दिए गए हैं। वहीं मेघा पाटकर ने कहा कि एसडीओपी रूपरेखा यादव के नेतृत्व में एसआईटी की एक टीम गठित की गई है, जिसकी हमने जानकारी मांगी है, लेकिन हमें नहीं दी जा रही है। मेघा ने कहा कि ट्रस्ट से जुड़े बुजुर्गों को नोटिस दिए जा रहे हैं और उनके घर देर रात पूछताछ कर डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किन दस्तावेजों के आधार पर एफआईआर हुई है, इसका जवाब नहीं है। पुलिस बता रही है कि शिकायतकर्ता के घर दो बार नोटिस चस्पा किया है, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा है। जब दस्तावेज नहीं दिए गए तो एफआईआर कैसे कर दी गई है? मेघा ने कहा कि यह सिर्फ हमें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा बगैर किसी तथ्य के एफआईआर दर्ज की गई है। हम हर जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मनमर्जी कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने एसडीओपी रूपरेखा यादव से बात करनी चाही तो उन्होंने जांच कर रही हैं बोलकर मीडिया से दूरी बना ली है। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए प्रीतम राज बड़ोले ने जो आरोप पत्र दाखिल किया उसमें लिखा हुआ है कि संलग्न दस्तावेजों के साथ में ये आरोप पत्र पेश कर रहा हूँ, लेकिन हमें सभी पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उसके तरफ से कोई दस्तावेज उनको आज तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, हासिल नहीं है, और उसके घरों पर नोटिसेस दो बार लगा चुके हैं पुलिस अधिकारी, फिर भी वो सहयोग नहीं दे रहा है। जबकि आरोप पत्र की प्राथमिकी जांच भी न करते हुए मतलब शिकायत की आरोप पत्र लगाना ये कहाँ तक सही है? और तो और फिर जांच शुरू होने के ही पहले और दो धाराएं उसमें जोड़ी गई, क्योंकि 420 धारा पर भी हमारा सवाल है, और ये सब होने के बाद जो जांच शुरू की गई है वो जांच एक हथियार क्या बना रहे हैं हमें बदनाम करने का? जांच करते हैं तब जो जांच जिस के कार्य की होती है वो कार्य में लगे हुए लोग डरते नहीं हैं, जबकि कार्य निष्पक्ष राष्ट्रहित में देश के वंचित पीड़ित समाज के साथ और किसी भी अवैधता के बिना चलने का हमें आश्वासन विश्वास होता है, और आज वही है। पर जांच के लिए हमारे ट्रस्ट के सभी बुजुर्ग ट्रस्टियों को, जिसमें कोई यूनिसेफ की ऑफिसर रही है, शिक्षा तज्ञ है, कोई बहुत सारे सामाजिक कार्यों में ही केवल लगी हुई व्यक्ति है, ऐसे सभी को इन्होंने जाकर उनके घर घर में चार चार पांच पांच पुलिस जाकर जब रात को मध्य रात्र तक बैठने का भी काम किया है, तो उससे हम डरते नहीं हैं। पर कल हम लोग एडवोकेट योगिनी खानोलकर, जो भी हमारी विश्वस्त है और उसको हमारी तरफ से कारोबार सौंपा गया है कि वो ये पूरा जांच में जो भी करना है वो कार्य करे, तो हम लोग दोनों वहाँ पहुँचे तो रूपरेखा यादव, जिनके नेतृत्व में एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, उनको हमने कहा कि आपके एसआईटी के गठन का पत्र हमें दे दीजिए, तो उसकी कार्यकक्षा क्या है, उसमें कौन कौन शामिल है ये हमको भी पता चले, लेकिन कुछ मीडिया को वो रिपोर्ट देते हैं, हमारे हाथ में एक भी अधिकृत कागज़ नहीं दिया गया है, न एफआईआर की कॉपी दी गई है, न ही कोई दस्तावेज शिकायतकर्ता जो कह रहा है कि हमने दस्तावेज दिए वो दिए गए हैं, नहीं एसआईटी का नोटिफिकेशन या शासकीय आदेश। वो जो नोटिस दी थी उसमें नाम तो नहीं थे, पर ट्रस्ट को नोटिस थी इसलिए मैं भी गई,
तो उन्होंने कहा कि आपका बयान तो हम आखिरी में ले लेंगे। कहा ठीक है, पर एडवोकेट योगिनी का बयान ले लिया और वो घंटों तक चला, 40 से ज़्यादा सवाल पूछे गए, हमने पूरी जानकारी दे दी है और हमारी सच्चाई हमारे हाथ में है। और फिर हम लोगों ने ट्रस्ट के बारे में और जीवनशाला के बारे में जो बुनियादी कागजात हैं वो दे दिए हैं। और जहाँ तक अकाउंट्स का सवाल है, एक माजगांव डॉक नाम की सार्वजनिक उद्योग और कंपनी, जिनको की सिफारिश नंदुरबार के जिलाधिकारी ने की और फिर उन्होंने हमारे बच्चों को, जो कुल मिलकर हमारे बच्चे शाला के हॉस्टल में, फिर हमारे साथ विद्यार्थी बाहर से आते हैं काम करने के लिए, सीखने के लिए, और हमारे कार्यालय के कार्यकर्ता, 1000 लोग कम से कम रोज खाना खाते हैं। लेकिन जो जीवन शालाओं के लिए जो जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसके ही अनुसार जो हुआ है खर्चा, उनको रिपोर्ट्स गए हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट में उसका आया है, उन्होंने मूल्यांकन टीम भेज कर किया और पहले 5 महीने दिया हुआ ये निधि उन्होंने शाला देखने के बाद खुश होकर 2 साल तक आगे बढ़ाया। तो ये सब जानकारी हमने उनको उपलब्ध की है और आज भी बयान देने के लिए हमारी दूसरी साथी गई है। उन्होंने कैलाश अवास्या जो पूर्व के विश्वस्त थे और कमला यादव जो अभी के विश्वस्त भी है, उनके भी बयान लिए हैं। पर खेत में जाकर कहना कि अभी के अभी बयान दे दो, ये क्या सही है? वो कल भादल की शाला देखने गए, पुलिसों ने कहा हम बहुत खुश हो गए बच्चों को मिलकर, उनके सब बातें सुनकर, गीत भी गाए होंगे शायद, लेकिन वो इतना बड़ा रिकॉर्ड्स का गट्ठा शाला से उठा कर ले आए, क्या ये सही है? हम लोगों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया से हम डरते नहीं हैं, पर सबसे पहले क्या ये FIR दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया से हुआ है? क्या उसमें लगी हुई धाराएं सही है? क्या उसमें बनी हुई SIT तक की कोई जानकारी हमको अधिकृत रूप से देना जरूरी नहीं है? क्या शिकायतकर्ता ने इनको आज तक कोई कागजात उपलब्ध किए हैं? और जो बयान देना है उसमें ट्रस्टीज़ के पर्सनल अकाउंट से लेकर हर चीज़ मांगना क्या सही है? हमारे बहुत सारे सवाल है जांच की प्रक्रिया पर, और फिर भी हम लोग डरते नहीं हैं जांच से, क्योंकि सभी निमाड़ के लोग या देवराम भाई कनेरा भाई सब पर कई सारे झूठे आरोप लगा चुके हैं, खारिज करने पड़े हैं। और हमारी जो जीवन शालाएँ चलती रही है वो अगर आप आज भी अगर जाकर देखेंगे पहाड़ी में, जहाँ अभी जो आज की ताज़ा जो स्थिति है उसमें भी आज के रोज़ भी हमें अभी तक कोई भी FIR की कॉपी या उसमें जो जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं उसके ऊपर कोई अधिकृत रूप से जानकारी मिली नहीं है। और हमें जो नोटिसेस आए हैं, हमारे जो बाकी के सभी ट्रस्टीज जो अलग अलग जगह पर हैं, जो 71 साल के, 80 साल के, 83 साल के हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं, उन सब के घर पर जाकर उनका जवाब लिया गया है। हर अपने अपने अपनी जो भी कहानी है वो बताई है। हमने जो भी जांच चल रही है उसके संदर्भ में कहीं पर भी कहीं विरोध वगैरह नहीं किया है। अब कल मुझे बम्बई में उनका फ़ोन आया था कि आप बम्बई में हो क्या, तो मैं यहाँ बड़वानी आने ही वाली थी क्योंकि हमें कुछ नोटिसेस उन्होंने दी है कि ये कागज़ 91 सेक्शन के अंडर दी है, वो जांच की होती है, मतलब आप कुछ कागज़ दिखाओ ये करो इन्वेस्टिगेशन में, तो वो हमें मिली है। तो उसके जवाब देने के लिए हम कल गए थे, तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारी खुद की तरफ से वहाँ पर पेश किए हैं, जिसमें हमने जो माजगांव डॉक वाला मुद्दा मेरे कथन में उन्होंने मुझे पूछा था, तो उसके संदर्भ में हमने उनको स्कूलों की लिस्ट होगी, फिर विद्यार्थियों के भोजन के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसके बारे में जो विस्तृत जानकारी 714 पेजेस की हमने उनको सभी बिल्स के साथ, वाउचर्स के साथ सब वेरीफाइड करके उनको दी है। तो हमारा यहाँ कभी भी हमारा ये भूमिका नहीं रही है कि हमने कुछ कहीं पर छुपाया है, दबाया है या कुछ गलत किया है। हम तो जब भी जाँच है, हम पहले से भी बोल रहे थे कि किसी के लिए भी खुले हैं, किसी ने जाकर के अलग से जाकर तकरार करके इसको हासिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना खुला और स्पष्ट है। तो जांच के लिए जो भी हमसे कागज़ मांगे जाएंगे वो तो देंगे, पर ये जो
आरोप लगाए गए हैं जो हमें अभी बाहर से कई कई से पता चल रहे हैं कि ये आरोप आपके ऊपर लगाया है, वो आरोप आपके ऊपर लगाया है, तो इससे बहुत बड़ा दुख होता है। इतने सालों से काम करने के बाद अगर कोई आपके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं जिसमें कोई तथ्य ही नहीं, तो इतना ही आज का ये है। और आगे जो बाकी की पूरी प्रक्रिया होने वाली है उसमें अगर कोई कागज़ देने पड़े क्या होगा तो वो देंगे और सहकार्य करेंगे उनको जो भी है उसका। बड़वानी से यूडी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।